जांजगीर चांपा के बिर्रा में आयोजित जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रदेश साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष टहल साहू, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश श्री महंत राम सुंदर दास, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल, संसदीय सचिव चंद्र देव राय, छत्तीसगढ़ तेल घानी बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू, चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव, जिला साहू संघ के जिला अध्यक्ष बालेश्वर साहू समेत अन्य नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिर्रा और बमनिंडी को नगर पंचायत बनाने, बिर्रा में स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोलने, बिर्रा में विद्युत मंडल के कनिष्ठ यंत्री कार्यालय खोलने के साथ ही दहिदा गांव में नदी पर पुल बनाने और साहू समाज के भवन बनाने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसी भी समाज के आगे बढ़ने में शिक्षा की बड़ी भूमिका होती है। साहू समाज हर तरह से जागरूक है, समाज को आगे बढ़ाने कुरूति को त्यागना चाहिए। जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर चरणदास महंत जी, गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज जी और प्रदेश अध्यक्ष टहल साहू जी और तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू जी सहित तमाम हमारे जनप्रतिनिधि और समाज के सब पदाधिकारी उपस्थित थे। बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी है, किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब लोग उपस्थित हुए। और सामाजिक सुधार बहुत जरूरी है, समाज प्रगति की ओर तक चलेगा जब समाज में जो कुरूतियाँ हैं, अंधविश्वास है, समाप्त होगा। किसी भी प्रगति से समाज की पहचान यही है कि शिक्षा की तरफ उनका रुझान होना चाहिए। तो लगातार साहू समाज उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं सभी बालेश्वर भाई और उसकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामना। बमनीडी को, बिर्रा को नगर पंचायत बनाने का और यहाँ सामुदायिक भवन के लिए स्वीकृति और दहिदा जो पुल है उसके लिए भी मांग थी, उसकी घोषणा मैंने की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक छोटी सी मांग साहू समाज की, जिन्होंने समय निकाल के हमको साहू समाज के शपथ ग्रहण में जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत बिर्रा में आकर इसको नगर पंचायत का भी सौगात दिए हैं, आत्मानंद स्कूल का दिए हैं और बिजली का यहाँ बहुत बड़ा समस्या था उनको भी वो दिए और बमहिंडी में अपन बमहिंडी से दहिदा पुल का भी सौगात दिए हैं और बिर्रा में नगर पंचायत का है, जनपद भवन का है। ऐसे अनेकों सौगात जो हम मांग किए उसको पूरा किया है। बिर्रा में साहू समाज का भवन का और सूर्यनारायण में भवन का भी मांग पूरा किया और यहाँ जिस प्रकार से जो भीड़ था वो युवाओं और बुजुर्ग सियाने एवं किसानों का भीड़ था, जिन्होंने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आए थे, क्योंकि उसको पहचाना जाता है किसानों का नेता और उसके ऊपर हमको पूरे किसान युवा और साहू समाज भरोसा भी करते हैं और भूपेश है तो भरोसा एक ऐसा स्लोगन है और जो काफ़ी रफ्तार से चल भी रहा है। समाज में हर तहसील और ग्राम अध्यक्ष द्वारा और तहसील अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष, परिक्षेत्र अध्यक्ष द्वारा जो भीड़ था वो उनका संदेश था कि वो घर घर तक पहुँचे और बताए कि हमारे समाज के शपथ ग्रहण में माननीय मुख्यमंत्री जी और हम जितने भी नेता आए थे, तम्र साहू जी थे और गिरीश देवांगन थे, रामसुंदर दास महंत थे माने और संदीप साहू थे, टहल सिंह जी थे, डॉक्टर चरणदास महंत जी थे, जितने भी नेता आए थे सब उनको सुनने के लिए, देखने के लिए और समाज की एकजुटता को दिखाने का भी एक हमने काम किया है कि हमारे समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी खंडन नहीं है, सब एक हैं और मिलजुल कर आने वाले समय में भी एकता का स्वरूप देंगे हम।